एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया है, जिन्होंने धारा 370 लाने का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके लिए कांग्रेस को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कितना अच्छा लगता है, धारा 370 हटने के बाद देर रात तक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चल रहा है, देर तक लोग घर से बाहर हैं। अन्यथा जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा होने के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आजादी के बाद कांग्रेस ने सबसे बड़ी कठिनाई खड़ी की थी। धारा 370 हटने के बाद अन्य राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हम सबका सौभाग्य और कितना अच्छा लगता धारा 370 हटने के बाद देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, घोषणा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आजादी के बाद ये जम्मू कश्मीर से जो सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ने खड़ी की थी आजादी के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे धारा 370 हटाई, आज जैसे बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया जिन्होंने धारा 370 पुनः लाने का घोषणा पत्र में उल्लेख किया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 के वालों के साथ जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया या गठबंधन किया, ये उनके लिए इस देश की मूल धारा का विरुद्ध है। कांग्रेस को कोई जनता माफ करने वाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।